हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे और खूब सारा व्यस्त होंगे। तो अभी मैं आपको अगर कैमरा टर्न करके दिखाऊं तो यहाँ का वेदर देख के आप चौंक जाएंगे पूरा एकदम। ये देखिए बस जा रही है यहाँ से, पूरा अंधेरा अंधेरा कैसा लग रहा है। और इसके बाद बालकनी की जो हालत होगी ना, अभी थोड़ी देर में पूरा सैंड भर जाएगा। तो ये आए दिन होता रहता है और गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तो दोस्तों यही है यहाँ का वेदर। और अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग पे। ये देखो सैंड का डांस हो रहा है। तो ये सैंड देखो कैसे उड़ रहा है, सैंड सैंड। यही है दुबई दोस्तों, यही है रियल दुबई, यही है। बालू है, बस बालू। ये देखो कैसे उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है। एरिया में जहाँ पे एकदम दोनों साइड खुले में चले जाओ तो आपकी गाड़ी ना रेड से ब्राउन हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। मजे हैं भाई, मजे हैं। क्या मजे आ रहे हैं? आ रहे हैं मजे जी? अद्दू को जी जी मजे आ रहे हैं जी। इसीलिए यहाँ घर भी इसी कलर का पेंट करते हैं ना, यहाँ का पेंट ही यही है, सारे लोग इसी कलर का बनाते हैं कि गंदा भी हो जाए तो पता ना चले। हैं डस्ट चिपक भी जाएगी तो पता नहीं चलेगा, चिपका ही रहता है डस्ट। हाँ ये वाला व्हाइट कलर है देखो, ये ज्यादा गंदा दिखता है, इसको कुछ कराने की भी जरूरत पड़ेगी। और जो ब्राउन है वो उसी कलर का रहेगा। है जैसे लग रहा है कि अंधेरे में चले जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा वो दिख रहा है ना, बुर्ज खलीफा यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा दिख रहा है। और ऐसे धूप रहती है तो क्या, पूरा डाउन टाउन का यहाँ से व्यू है एकदम चमकता हुआ। सारी हाई राइज बिल्डिंग है इधर, लेकिन लेकिन नहीं दिखेगा। बीच बीच में सारे जगह से बुर्ज खलीफा दिख रहा है लेकिन इसमें कैमरे में नहीं आ रहा है। ये देखो पूरा सैंड सैंड। तो यहाँ कोई कह नहीं सकता है कि किस जगह पर सैंड नहीं आती। अब यहाँ के प्रॉपर्टी के रेट और रेंट का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा होगा, नहीं सबसे ज़्यादा होगा इस एरिया का, सबसे ज़्यादा होगा टॉप पे जो रहता है प्राइस भी, खरीदने के लिए भी और रेंट के लिए भी। लेकिन धूल यहाँ पे भी है दोस्तों, ये देखिए सबके जिसके खिड़की खुली होगी शाम तक आएगा कहेगा है ये क्या हो गया। तो यहाँ पे घर से निकलने से पहले और कुछ किया ना किया, पूरा विंडो बंद कर लो, क्योंकि आपके एब्सेंस में दो चार घंटे आप बाहर हो और कब आंधी और सैंड स्टॉर्म आ जाए और आपका घर पूरा बालू रेत से भर जाए, कहा नहीं जा सकता। पूरा बालकनी आपको क्लीन करके आना पड़ता, कपड़े भी नहीं छोड़ने। अभी नहीं बोल रहे बस, क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ बालकनी एकदम एकदम क्लीन करके आना पड़ता है। बालकनी क्लीन करके मतलब, हाँ कपड़े भी नहीं छोड़ सकते। तो ये सब बेसिक यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो हैबिट में है। मैं आज आपको याद आ गया तो बता रही हूँ, क्योंकि मौसम वो चल रहा है इसलिए ये हम लोग के हैबिट में है कि कपड़े भी जैसे गीले भी हो तो थोड़ा सा अंदर करके जाओ, नहीं पता नहीं सैंड स्टॉर्म कब आ जाए। और समर्स में इस टाइम पे ज्यादा आता है। मौसम का बता दिया हाल चाल, और आज है 15 जुलाई। हाँ और जो मेन बात है वो बता नहीं रही हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, आप लोग भी इतने देर से देख रहे हैं। शॉपिंग करने जा रहे हैं शायद, तो मैंने बताया आज हम लोग जा रहे हैं अपने, मतलब कि जब शुरू में आए थे हम लोग दुबई तो सिर्फ इसी मॉल में जाते थे और हम लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आता था क्योंकि इसमें स्पेस कम, छोटा मॉल है ना, ओएसिस मॉल दुबई, क्या ओएसिस ही है नाम ना, शेख ओएसिस। एक दो और है शारजा में भी है शायद, अभी खुल गए। तो ओएसिस मॉल मेरे सामने है और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। पहले आते थे हम लोग अलखेल में जब रहते थे तो ये एकदम ही पास था, समझ लिए इसी के पीछे 1.5-2 किलोमीटर पीछे ही है ना अलखेल गेट सोसाइटी जो है हम लोगों की, तो वहाँ पे रहते थे। और यहाँ मतलब शाम को रात को 9-10 बजे भी कोई काम हुआ और आ जाते थे और हम लोग ले लेते थे यहाँ पे मैक्स स्प्लैश और सारे जो भी होम सेंटर होम वॉक्स ये वाले सारे ही ब्रांड थे। और ये है ऐसा, तो ये देखिए ये ओएसिस मॉल है और यहाँ हम लोग शुरू में आते थे। यहाँ से बहुत सारी यादें, मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी सारी जो शॉपिंग थी शुरू शुरू में ये लेना है कुछ जो भी समझ में आता था क्या करना है। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं छोटा सा कॉम्पैक्ट सा मॉल है, बहुत सही है, मतलब चीजें बस शॉप्स चाहिए आपको। अभी डाइसो भी है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ। ये देखिए मेट्रो जा रही है यहाँ पे, तो ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है, एकदम शेख जायद रोड है ये और मेट्रो है और एकदम बिजनेस भी, तो शेख जायद रोड पे ही था। और ये हमेशा ही आते जाते रास्ते में कहीं भी हम लोग जैसे गुरुद्वारे जाते थे पहले और इधर उधर जाते थे, ये देखिए बस स्टेशन है यहाँ।
और सामने वो सी स्मॉल ये अदू, मैं पूरे प्रेगनेंसी के टाइम आके, और ये इधर उधर कभी ऑफिस जाते थे ना उस टाइम हम लोग जैसे इतना फेमिलियर नहीं थे, बोर हो रहे हैं कुछ भी चलो मॉल में छोड़ देता हूँ, तो यही मॉल था जिसको हम लोग जानते थे और आते थे हम लोग। मास्क है बगल में था ना, हाँ पहले ऑफिस भी यही नूर बैंक के पास ही था ना, नूर बैंक स्टेशन। हाँ तो हम लोग यहाँ आते थे। मदर केयर वैसे भी अपने में आप में बहुत एक्सपेंसिव है, 90 दिरहम का ये 30 का मिल रहा है। छोटे बच्चों का कितना प्यारा है, बेबी शो रहा है, बेबी शो रहा है, बेबी। बॉयज का किधर है, क्या सेल है यार, 175 का ये था और 30 दिरहम का ये सूट जो मिलता है वो बेबी स्लीपिंग सूट कॉटन के, ये देखिए 30 दिरहम में कितने मिलेंगे, 5। किसी का बेबी होने वाला है इस टाइम पर बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। छोटे बच्चों का बहुत प्यारा है ना, क्या फैब्रिक है यार, ये बहुत अच्छा फैब्रिक है, 7 to 8 इसमें बोल रहे हैं, नहीं है ये 2 फुल लेंथ का ये, और कितना अच्छा डायनासोर बना हुआ है ये। और मदर केयर ब्रांड वन ऑफ द टॉप ब्रांड है बच्चों के लिए, मतलब टॉप ऐसा नहीं क्योंकि कॉटन अच्छा होता है और क्या चुभता नहीं है। ये देखिए दोस्तों वैसे स्मॉल ये है, बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, इतने ही गोले में ये वाला जैसा मैं बता रही हूँ ना, सारे शॉप्स हैं ऊपर नीचे, 3 फ्लोर हैं और खाने पीने का भी छोटा छोटा है। ऊपर फूड कोर्ट है वो देखिए वहाँ पे, बहुत अच्छा, यहाँ का फूड कोर्ट उल्टा बहुत बड़ा है। और ये एलिवेटर है, बड़ा क्यूट सा मॉल है ना, वैसे स्मॉल DXB। ये देखिए हमें डायमंड मिला है, ये देखिए मिला है, आपको भी चाहिए डायमंड, आ जाओ ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कंघी कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, मेरी बहुत ही पुरानी आदत है, मैं सारी आदतें आपको बता रही हूँ तो ये भी बताती हूँ कि मैं जैसे मॉल आना होता है ना रेडी हो जाती हूँ, जितना आधा अधूरा जल्दी रहती है, उसके बाद मॉल में आके आराम से रेडी होती हूँ। कंघी की है अभी मैंने, अभी तक की ब्लॉगिंग में ना कंघी की हमने देखी है, अभी मैंने कंघी की है आराम से, और वॉशरूम में मतलब बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बड़ा पता नहीं अजीब सा मतलब लगता है कि चेंज है। हाँ चलो घर में तो रोज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ तो मैं कह रही थी यहाँ पे जैसे मॉल्स और मॉल के बाथरूम इतने कंफर्टेबल होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि थोड़ा सा तो जाना बनता है। ये तो छोटा सा मॉल है, ये और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे मॉल हैं, बस भीड़ ना हो तो बड़ा मज़ेदार रहता है। ये देखिए यहाँ से ये मॉल बहुत ही क्यूट सा मॉल है, सही बता रही हूँ ना, आपको भी लगा कि नहीं दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा। ये मैक्स में चलते हैं अभी, तो एक मिद्रिफ के बाद यहाँ वैसा ही सिमिलर ही है, सबसे बड़ा मैक्स यही है मिद्रिफ सिटी सेंटर में, और ये ओएसिस मॉल में ये नया नया, मतलब ये भी 2-3 साल हो गए। एक कैरेक्टर वाला अलग से लगा के रखा है, स्पाइडरमैन अदू, कल्लू कल्लू कौन है, ये बड़े छोटे सबका है, ये देखो गर्ल्स का लेडीज का भी है, ये देखो कितना सुंदर है। बच्चे अभी बड़े साइज में आ रहे हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन अभी सब बोरिंग वाले कपड़े अद्दू के भी मुझे लग रहा है शुरू हो गए, अभी 6 से 7 और 8 साल वाला तो मतलब जो साइज है वो उसमें उतना मतलब बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन ये सब नहीं मिलता, जितना 5 से 6 साल तक बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। मदर केयर में जैसे मैंने देखा ना, मज़ा आ गया कपड़े देख के, हैं फैब्रिक छू के टच करके, मदर केयर हो गया और मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, ये 3 से 5 साल का है, सही तो है। एक ये ले लो अदू, ये सबके पास होना चाहिए धूप में निकलने से पहले ये लगा लो ना, उस दिन क्या टैन हुआ है सब लोग ना, अंश अपना फेस दिखाओ, अंश मस्त वाला टैन हुआ है, सब लोग टैन हो गए उस दिन बीच पे। तो दोनों के लिए मैं एक जैसा कुछ भी बढ़िया सा एकदम टी शर्ट और या तो बढ़िया सा शर्ट, कुछ हाफ फुल कुछ भी चलेगा मिल जाए, बस मेरा पर्पज़ वही है। बाकी शॉपिंग तो मुझे लग रहा है अगस्त में यहाँ पर ज़्यादा और भी अच्छी सेल आती है, तो पता नहीं उसी के लिए निकली हूँ, कुछ अच्छा सा मिल जाए। बाकी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है, मैंने तो इतनी भाई शॉपिंग में, और देखते हैं कुछ लास्ट तक मिलता है कि नहीं। लेकिन मेरा ये था कि मैं एक जैसा दोनों को मिल जाए, हमेशा ये हर बर्थडे पे जो स्पेशल कपड़ा लेती हूँ तो मैं एक जैसा लेती हूँ, तो अभी तो और अच्छे से मिल जाता है क्योंकि थोड़ा सा अद्दू बड़ा हो गया, पहले अद्दू ज़्यादा ही छोटा था। अभी हम लोग जा रहे हैं होम बॉक्स, ये भी शुरू के फर्नीचर हम लोग यहाँ से लेते थे, शुरुआत में फर्नीचर शॉप बस यही जानते थे, और काफ़ी रीजनेबल है, आइकिया जैसा अच्छा लगता था हम लोगों को। ये सोफ़ा अच्छा है, ये सोने वाला सोफ़ा है, बैठने वाला नहीं है लग रहा है।
हम लोग तो अभी होम बॉक्स में ही हैं अभी तक। यहाँ भी पूरा आइकिया की तरह डिस्प्ले बना के रखा है कि ऐसे रूम को आप सेट कर सकते हैं ना। ये अलग रूम है, ये पूरा सेट अलग है ये रूम का। ये चेयर देखो, और ये यहाँ पे देखो तीन सोफे का कलर ऑप्शन है, मतलब ऐसे भी लगा सकते हो एक हॉल में तीन कलर का। ले लो रखेंगे काम बाबू। ये बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे, हर बच्चे के रूम में रहता है। हैं ले लूं? ये देखो सोके भी दिखा रहा है, बहुत मन हो गया क्या तू का लेने का? चलो ले लेंगे, पापा से बोलेंगे अभी। हाँ ये 2550 का है, काफ़ी ऑफर है इसमें, 899 का। अगर आपको सो रहा है तो सो जाओ, फिर से पढ़ाई कर लो। बहुत गेमिंग चेयर जैसा चला है ना, वैसा ही है ना। 2 BHK लो तब सारा ख्वाहिशें पूरा हो। गेमिंग जोन लिखा भी है, देखो गेमिंग सा का ही सारा सेटअप है ये। कहाँ जा रहे हो तू? कितना अच्छा कह रही, कितना अच्छा है। रोज रात को ऐसे चढ़ो, उसके बाद सो, नीचे भाई ऊपर आप। ये बहुत स्पेस बचाता भी है और कम्फर्टेबल है, ये तुम लोगों के लिए सही है। क्या बोलते हो, सोगे? हेलो लोगे ये वाला? अच्छा है, एक बार मन कर रहा है तुम्हारा, अभी वही मन, वो भी मन कर रहा था, ये भी मन कर रहा है। उतर नहीं पाएगा तू? सोचो सोचो, अगर रात को सुसु आई फिर क्या करोगे? यहीं पे कर लूंगा। अरे गजब, तुम सो के दिखाओ। सो आ, लग गई, यही तो है। तुम इस हिसाब से बड़े हो गए वंश ना। लड़ाई हो जाएगी भाई। चलो 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 चलो। अच्छा रोलिंग चेयर किड्स का है, हाँ? तो दोस्तों ये देखिए हम लोगों का मस्ती चल रहा है यहाँ पे, हाँ? अभी हम लोगों को पापा ज्वाइन कर लिए हैं, उनकी ऑफिस मीटिंग थी और हम लोग की तफरी। ऑफिस मीटिंग रहे मॉल के बगल में, तो ये हमारा अक्सर होता है कि हम लोग मॉल में घुस जाते हैं, पापा ऑफिस में जाते हैं, मीटिंग करते हैं। यहाँ से सन ऊपर एकदम चमक रहा है, और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से ये वाला मॉल देखिए कितना राउंड शेप का दिख रहा है यहाँ से अंश। हाँ बहुत ही मस्त, यही तो कहते हैं इस मॉल की खासियत है। अभी तो बेसमेंट में ही लगाए होंगे ना पापा? यस। अभी हम लोग चलते हैं फूड कोर्ट में। कहाँ पे बैठे? यहाँ पे आ जा, आ जा। अपने पहले वाले शुरुआत वाले मॉल में आके कैसा लग रहा है? अरे बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगता है, पूरा नॉस्टैल्जिक लग रहा है एकदम ना। हम लोग शुरू शुरू में आए थे और पता नहीं अभी मॉल में क्या ही बोले, मतलब मैं अपनी फीलिंग बता नहीं पा रही हूँ। नहीं जब हम लोग शुरू शुरू में आए थे हम लोगों को कुछ पता नहीं था दुबई में, जबकि मैं कभी कभी आता था तो मेरे को सब। आपका ऑफिस का भी लंच पार्टी कुछ होता था यहीं पे होता था ना, इसलिए हमें ये पता था, इसलिए हम इन लोगों को यहीं लेके आता था। मेन नजदीक था यही वाला, उसके बाद नियरेस्ट हम लोगों का मॉल ऑफ एमिरेट है। अरे भाई रास्ता इतना गड़बड़ था, मेरे को समझ में नहीं आता, इसलिए सबसे सिंपल यही था, यहीं आते थे। KFC, सबवे और पिज्जा हट, और सबसे स्पेशल बॉम्बे चौपाटी ये देखिए, और यहाँ पे बन रही है मेरी चाट। ये देखो दोस्तों, ये देखिए चाट चाट है, और यहाँ पर अद्दू लोगों का आ चुका है ऑलरेडी। हाँ पापा फोन पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अद्दू लोगों का आ चुका है वेज। और यहाँ पर एलिवेटर बहुत पहले भी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है। आ गई भाई। ओ बाबू मेरे लिए रोक लिया सुना ने, थैंक यू। चलेंगे अभी हम लोग चलेंगे नीचे। क्यों नहीं चल रही भाई? चलो 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 चलो। अरे वहाँ मार्केट लगता है आज, देखो फ्राइडे है आज तो नहीं लग रहा है, सैटरडे को लगे तो सही है।
मतलब सही है, आज लगता तो हम लोग देख लेते ना, ये वाला मॉल दूर पड़ता हम लोगों को। फिर आ जाएंगे कल, फिर रेडी होने के लिए। लवर लवर शॉपिंग लवर फैमिली है, एक कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता, सब एक से एक है। यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और बच्चे लोग वीडियो का एंड करो, अच्छा सो ही रहा है, है? ये देखो अब अपना स्टिकर लिए हैं, अपने आप को अवार्ड देंगे, सब्सक्राइब एंड बेल बेल बेल। देखो अद्दू एकदम पस्त हो चुके हैं, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए एकदम। बाय 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 बाय।